दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज दूत। यह मूसल में बंधे मेंढक और मेंढकी वास्तव में इस धरती का वर्षा से अभिषेक करना चाहते हैं। जी हाँ, इन आदिवासी इलाकों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जब वर्षा नहीं होती है तो टोटका यह होता है कि मेंढक और मेंढकी का विवाह रचाया जाता है। पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी यह टोटका परंपरा के रूप में आज भी इन इलाकों में जीवंत बना हुआ है। बताया यह जाता है कि सर्वप्रथम इस मेंढक और मेंढकी को मूसल में बांधकर शिव का अभिषेक कराया जाता है। शिव यानी परमात्मा यानी प्रकृति, और प्रकृति ही वास्तव में वर्षा को आमंत्रित करती है। शायद इसी थ्योरी के साथ यह परंपरा और यह टोटका इन आदिवासी इलाकों में आज भी प्रचलित है। वास्तव में मूसल में मेंढक और मेंढकी को बांधकर शिव मंदिर से गांव के प्रत्येक घरों में ले जाया जाता है। वहां वास्तव में सीधा पानी इकट्ठा किया जाता है और फिर उस सीधा पानी का एक भंडारा के रूप में ग्रामीण जन भगवान को प्रसाद चढ़ाकर उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब यह परंपरा, यह टोटका कितना कारगर है, लेकिन बीते 25 दिनों से इन आदिवासी इलाकों में बारिश न होने के कारण गांव-गांव में यह मेंढक और मेंढकी के विवाह का टोटका निरंतर जारी है। अब देखना यह है कि बारिश होती है या नहीं, लेकिन यह भी सच है कि किसान आसमान में टकटकी लगाए बैठा है और इंसान अस्पतालों की चौखट चल रहा है, वास्तव में वर्षा ना होने के कारण। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।